खिदमत लिखी आवाज कर दी अल्लाह मेरी खिदमत लिखी नहीं धर्मा दिया चार लंबे कर दी औरतों मेरे कमरे से आ गई पुछनिया नी कान सारेरी कह लगी आने मैं पुछनिया नी किधर आईया कह लगिया मुहम्मद दिया दाइया बन के आया लखा दी जा रसूल आ गया अल्लाह ने जा फरमाया अल्लाह सुखद गया जो समझ आई बोले सुभान फिर एडा ही सोना बना के भेज छड़िया तुसी बोले नहीं ते मैं करवा देना सी बेली मैनू पिछू कह रहे सन दोस्त के हजरत सखी सुल्तान बाहू दा कलाम जरूर पढ़िया जाए मैं अल्हम्दुलिल्लाह करीम दे जोड़न दा सदका सारी तकरीर पेरे बाहू दे कलाम विच कर देवां
अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। मगर मैं अपने उनवान के मुताबिक तर्जुमा करवा के देवा लगा इस आयत दा पीरे बाहू को लूं। मेरे सियालकोट दा कलंदर ते लाहौर दा दरवेश मुसव्वर पाकिस्तान अलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को किसी तहरीके ने पूछा ओ जेड़ा रब नु मानदे नहीं, उन्हें पूछा कि तिनु किने दसया कि रब इत्थे तेरी मां नहीं या बाप नहीं या लोगों ने देखो वेखी तू भी रब नु इक मन बैठा है। ते इकबाल ने फरमाया ना मां दे आखे ते ना बाप दे आखे ते ना लोगों ने देखो वेखी मैं रब नु इक मनया। फरमाया मैनु उन्हें दसया रब इक ही जिन्हें कदे झूठ ही नहीं बोलिया। खुदा मानना तू मेरे मुस्तफा दा खुदा है असी ते खुदा नु भी मुस्तफा दी वजह तो मानने हैं। आप तर्जमा पीरे बाहू फरमाया आप ही रिजात फरमा दे ना रब अर्श कोई कहता है कि काबे में खुदा रहता है, कोई कहता है सारे अर्श उला रहता है। हम फकीरों का अकीदा है कि वो माबूद अजीम अपने महबूब के जलवों में छुपा रहता है। फरमाते हैं महबूबा इंज दी दलील बना के भेजांगा लोग वेख दे तैनु रहनगे ते मन दे मैनू रहनगे। आज मैं एक हस्ती का जिक्र करन लगा, वैसे ते करा ते करीम दे जोड़े दे सदका फिर लंबी फरिश्ते, और मैं एक कदा जिक्र करन लगा जिन्ने वेख्या मुस्तफा नु ते मनया खुदा नु। इहदे ते छोटी जी दलील देवां, थोड़ा जिहा हौला बोलो, बार आवाज बिल्कुल नहीं जाने चाहिए, ते हाथ नहीं चुकना मत कि तेरे कोई शहीद ना हो जाए। मैनू नहीं पता लंगर है कि नहीं, पर मैनू ए पता लंगर तुसी घरों खा के आए हो। सियाने कहंदे ने जिहदा खाइए उहदा, जिहदी अम्मी ने दस के भेजा तू पलिया ही मुस्तफा दे लंगर ते, सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। स्टेज वाले थोड़ा सहारा कराओ, मैनू पता लगे मैं अपने च ही बैठा भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिरौन ने जादूगर बुलाए, उन्होंने कह लगा जादू विखाओ कि मूसा नु हराओ, पर मूसा नु कौन हराया। ਉਹਨਾਂ ਰਸੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੜ ਕੇ ਮੰਤਰ ਪੜਿਆ ਤੇ ਰਸੀਆਂ ਤੇ ਸੱਪ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰੌਨ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹ ਇੰਜ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਰਮਾ ਸੋਹਣਿਆ ਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐ ਛੋਟਾ ਐ ਡੰਡਾ ਐ ਅਸਾ ਮੁਬਾਰਕ ਜ਼ਰਾ ਸਟਿਆ ਜਨਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੇ ਅਸਾ ਸਟਿਆ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਅਜਦਹਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦੇ ਸੱਪ ਜਦੋਂ ਖਾ ਲੈ ਨਾ ਤੇ ਜਾਦੂਗਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲੂ आमन्ना बे रब्बे मूसा। अदर तवज्जो में कहंदे ने मूसा आज ते मन गया तेरे रब नु, मन गया तेरे रब नु। अच्छा कमाल ते मूसा ने वखाया सी ते कहना ते चाहिदा सी ना मूसा मन गया तेनु,
پر کی کہنے کالو آمنا بے رب ہارون و موسیٰ کہنے لگے موسیٰ آج تے من گے ہارون تے موسیٰ دے رب آج تے تیرے رب نو من گے پتہ لگیا نبی دا کمال رب دا کمال ہوندا ہے بھائی نبی دا کمال ہے رب دا کمال ہوندا ہے او تے موجے دے وکھا کے کلمے پڑھا رہے ایتھے جڑا ویکھدا نا مصطفیٰ نو او نہیں کہندا چن توڑ کے وکھاؤ تے سورج موڑ کے وکھاؤ تے پتھراں تو کلمے پڑھا کے وکھاؤ نا نا جڑا ویکھدا نا حسن مصطفیٰ او دے لباں جو پتہ کی نکلدا ہے پڑھا بھائی اونچا بولو سبحان اللہ عربی کری رحمت اللہ علیہ فرما دلے کام کندل بھائی کام کندل زلف مہینے کال چلے ہن کیڑا بس اکھ نال اکھ ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا سنا وا انہاں دی گلاں جنہاں ویکھیا مصطفیٰ نو تے منیا خدا نو اے جڑا سبحان اللہ نہیں نہ بولدو نو پوچھو تیری طبیعت ٹھیک ہے کہ نہیں مینو پتا ہے رات سوا تین بجے بندہ سبحان اللہ کہن جو گیا ویندا ہی نہیں کوئی سچی پوچھو تے بندہ این بجے تقریر کرن جو گیا بھی نہیں رہندا سبحان اللہ آ تہاڈی سبحان اللہ تقریر کروا لے نہیں اونچا بولو سبحان اللہ کون ہے دیوالی کعبے دا طواف کر رہے فتح مکہ دا دہاڑا ڈرون ہن بند کر دے میرا ویر بس کرو توجہ ذرا نجی پٹ گئی کون ہے دیوالی کعبے دا طواف کر رہے دس ہزار صحابہ طواف کعبہ کر رہے تھے کافرہ دے نوجوان جدہ نام فضالہ بن عمیر انہوں خیال آیا رش بڑا ہے تو ہوئے نہ تھے آج محمد انہوں قتل نہ کر دے پر وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا میاں صاحب فرماتے ہیں ہر دم روے خیال میرے وچ ہور نہیں کچھ سجدا جس دیوے نو او آپ جگاوے او کد کسے تو بجدا سبحان اللہ او نوجوان خنجر لے کے نہ طواف کردا کردا میرے نبی دے قریب آیا اے اس طرح کر کے نہ تے خنجر مارن لگا تے میرے نبی دی نگاہ دے چہرے تے پے گئی سید راشد شاہ جی دے چہرے تے پے جے میرے نبی دی نگاہ سبحان اللہ واہ واہ سناواں گل جے دے چہرے تے پے جے نبی دی نگاہ مکے دی گلی تے او سامنے ابو جہل دا پتر اکرمہ آ رہیا تے ادھر حضور جا رہے حضور نگاہ جھکا کے چل دے سن تسی بھی انج کریا کرو جو رستے چ چلو نا نوجوانو تے چہرہ اٹھا کے چلو تے نگاہ جھکا کے چلو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ چہرہ اٹھا کے تے نگاہ او سجدے دے مقام تے رکھ کے چلو اسلام نے صرف بیٹی نو نہیں آکھیا چہرے تے پردہ رکھ بیٹے نو بھی آکھیا تم ہی نگاہاں نیویاں رکھ فرمایا مل حیا شعبۃ من الایمان حیا ایمان دا حصہ ہے حیا ایمان دا میرے نبی نے فرمایا حیا تے ایمان دو ایسیاں سہیلیاں نہ سکیاں جدوں ویکھو گے کٹھیاں نظر آون گیاں جتھے ایمان ہوئے گا اتھے حیا ہوئے گی جتھے حیا ہوئے گی اتھے ایمان ہوئے گا میرے نبی نے فرمایا ان چو ایک چلی جائے دوسری بھی چلی جاندی ہے ایمان چلا جائے حیا چلی جاندی ہے حیا چلی جائے ایمان چلا جاندا ہے تے میرے نبی چ انی حیا سی جنی کماری لڑکی چ بھی حیا نہیں ہوندی اس تو بھی زیادہ کماری بچی تو زیادہ حیا میرے نبی چ
हुजूर निगामा चुका के चल रहे थे, इकरमा आ रहा अबू जाल दा पुत्र सामने, अचानक मेरे नबी ने भी निगाह उठाई थी, उधर इकरमा ने भी निगाह उठाई ते अखियां चार सुभान अल्लाह। हुण मैं केड़ा रंग देवा, अख अख विच पा के तकिया सो, मेरे दिल दे कर गया 100 टुकड़े सुभान अल्लाह। इधर मेरे नबी दी निगाह दी निगाह विच ते दिल आ गया सुभान अल्लाह। इकरमा दे अंदर आ गया इश्क, इकरमा गली वेख के ते दौड़ लगा दीती, अकल आके दौड़ जानी ते कलमा पढ़ना पै जाना है, ते इश्क आके अज दौड़ के वखा मैं आ जावां ते मैं कदे दौड़न दित्ते ना। मैं ना एक बारी बाबा जी उदूर ताजदार चूरा शरीफ कोल बैठा थे, बाबा जी फरमाते ने कि बेटा एक बारी ना मेरे नाथ खां बैठा, आज तो 50-60 साल पुरानी फरमाते ने शाजी, फरमाते ने नाथ खां से मेरे ना रहंदा थे, मैं सफर दे दौरान मैंने आख्या आज मेरे को इंज दा शेर सुना जेड़ा मैं जिंदगी च कभी सुनया ना होवे ते मैं तेनू पूरा 100 रुपया देवांगा। अपनी आदत के मुताबिक बाबा जी फरमाते उस दौर च 100 रुपए की बड़ी मुकत सी। कुछ दिन तू दिल मेरा घुटिया वटिया रहिंदा है, कुछ दिन तू दिल मेरा घुटिया वटिया रहिंदा है, मैं जेड़ी सोहनी सूरत वेखा चौला तेरा ही पैंदा है। ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਲੈਣ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਓਏ ਮਹਬੂਬ ਆਲਮ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਲੈਣ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਰ ਫਰੀਦੀ ਰਹਿਮਤ ਅੱਲਾਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਮ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਖ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਹਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। मौलाना मोहम्मद यार फरीदी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ फरमांदे ने तो अबरू यार दे खमदार दो अबरू यार दे खमदार जरा मस्त हो जाओ दो अबरू यार दे खमदार इत्थे भी गल सुनाई दे सुभान अल्लाह। अज मैं तलवार खमदार होंदी ना है ना, फरमांदे ने दो अबरू यार दे खमदार वाह वाह, इंज नहीं लगदा जिवें वेख के पे कहंदे ने बड़ी हल्की सारी हल्की मैनूं बाबा जी सरकार ताजदारी चूरा शरीफ गल सुनाई, आप फरमांदे ने बड़ी हल्की करके ना टोपी पगड़ी बंदे सन जोर नाल खिंच के किसी मुरीद ने अर्ज की हजूर पगड़ी इंज क्यों बनते हो, अखे च अथरू आ गए तो रो के फरमांदे ने किसी नूं बन्नी वेखी सी मौलाना यार मोहम्मद फरीदी रहमतुल्लाह फरमांदे ने तो अबरू यार दे खमदार तो अबरू यार दे खमदार तिखी तलवार जौहर तार बावा तो अबरू यार दे खमदार।
ਜਦੋਂ अज मेरे ते मुहम्मद नी गा पै गई कमली वाले का नाम सुनया पुत जमीन के टुकड़े हो गया पुत विच आवाज आई तेनू कान बचावे थोड़ा होर उच्चा बोलो अजे मैं शुरू होया अजे मैं आमिना फिर सैयद हलीमा दे वेड़े लैके जाना पैना ते बड़ा लंबा है ते रोंद ना मारो तो उच्चा जा बोलो सुभान अल्लाह रोंद दा पता है कि कोई ना उस नौजवान दे चेहरे ते मेरे नबी दी निगाह पै गई अपनी मर्जी कम नायरावे मुस्कुरा के सैयद आलम नु फरमांदे ने फजाला उत्तर किधर ओ जेड़ा खंजर लेके आया सी ना ओदा जिस्म कंप रिया ते कहंदा जी मैं ते अल्लाह अल्लाह पिया करदा सा अजी मैं ते लबैक अल्लाहुम्मा लबैक पिया पढ़दा सा जी मैं तल्बिया पढ़या सा मुस्कुरा के सैयद आलम ने फरमाया मैं नबी हां ते नबी ना झूठ नहीं बोली दा नबी हुंदा ही होवे जेड़ा बैठा फर्श ते होवे ते गल अर्श तो पार दी सुना दे इतना फरमा के ना ते मेरे नबी ने अपना यदुल्ला वाला हाथ रखा फुजाला दे सीने ते ते इस तरह करके मेरे नबी ने सीने ते जदों फेरा ना हाथ सुभान अल्लाह फैसलाबाद वाले ओदे हाथ रब अपने हाथ आके सुभान अल्लाह होवे काफिर जेड़ा वखे सुभान अल्लाह मेरे नबी जदों फेरा ना ओदे सीने ते हाथ हाथ गल सुनाई दे सुभान हजूर देख सहाबी किधरे सफर ते चले ते बीवी कहंदी है आ तुसी ते टुट चले हो ते बकरी दा दूध कौन चोवेगा आप बीवी ने मोड़ के फरमांदे ने के
मैं नबी पाक नूं अर्ज कीती है तू इंज करी के बकरी ते डोल रोजाना नबी पाक पर कुल भेज देवी बेटी दे हाथ हजूर फरमाते सन मैं दूध चो देवां मुकाम वेख मेरे नबी दे अगले दिन बच्ची आई ना दो डोल लैके आई दोवे भर गए हजूर ने फरमाया बेटी कल तीन डोल लैके आई तीन लैके आई तीन भर गए अगले दिन चार अगले दिन पांच डोल भर दिते पंजवे दिन हजरत सहाबी रसूल ना घर वापस आ गए शाम का वेला ते बकरी दा दुध धोवन वास्ते जो बैठे ना ते अद्धा डोल भी ना भरिया हदीसे पाक के चाहुंदा कि इस तरह करके ना बीबी ते कोल खलोगी बड़े गुस्से नाल अपने शौहर वाल वेखी जाए उन्हें पूछा इंज क्यों वेखनी ते जुमला सुन ते लुत्फ लो मैं जो पढ़िया मैं बड़ा लुत्फ लिया बीबी बोल के अपने शौहर नूं पता की कहंदी आ साडी बकरी खराब कर छड़ी जे साड़ी बकरी खराब कर चढ़ी उन्हें फरमाया क्यों उन्हें आखा कल मैं नबी पाक को पांच डोल भेजे हुजूर ने पांच भर के भेजे तुम्हारे कोल ते कुल्ला भी नहीं भरिया जाता पर आ जेड़ा सहाबी ने जुमला बोलिया मेरी ते तुहाडी तकरीर ते पूरी महफिल दा नचोड़ जुमला है सहाबी उठ के ना ते बीवी दे सामने खड़ोगे ते इस तरह करके ना अपने हाथ अपनी बीवी दे सामने करके फरमाते ने मेरे हाथ को मोहम्मद दे हाथ पर गए ने बोलो यार सुभान अल्लाह फुजाला दे सीने चे जदों मेरे नबी इंज करके हाथ रख के ते फेरया ना ए तुहाडे फैसला बंद थोड़ा जिहा लाहौर ते लाहौर तू शरकपुर वाले जड़ वाले रोड ते जाइए ना ते उत्थे कास्तान होंदा शरकपुर शरीफ नक्शबंदियां दा बहुत बड़ा स्थान है उत्थे कल्ला दे वली गुजरे ने हजरत मियां शेर रब्बानी मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा बड़ा कमाल दा बाबा सी पहले बाबे दी गल सुना दे सुभान अल्लाह रात मस्जिद च ठहर गया उस मस्जिद च मियां साहब तहज्जुद दी नमाज पे पढ़ते जदों फजर दी पौ फुटी ना मियां साहब नफल पढ़ के नबीना नु पैर दी ठोकर मार के कहंदे ने हाफ जी आ बार वेख आओ पौ फुटी है के नहीं ते ओ अगू कहंदा जी मैं नबीना थोड़ी देर बाद पीरा फिर उन्होंने ठोकर मार के कहंदे ने हाफ जी आ उठो बार वेखो पौ फुटी है के नहीं नमाज दा वेला होया के नहीं ओ बड़े गुस्से नाल कहंदा जी ओ तुहानू आ के मैं नबीना बार जाती मारी नजर आई मियां साहब ने सारी अखां भी दे दित्तियां ते अंदर दी अखां भी दे दित्तियां ए ओ मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह 1965 ईस्वी दी जो जंग लगी ना ते इंडिया ने हमला कीता पाकिस्तान ते दो जगह हमला कीता एक सियालकोट चविंडा बॉर्डर ते एक लाहौर बरकी अडियारा बॉर्डर ते शरकपुर एक मौलवी साहब सन अहले हदीस सन पर मियां साहब दे बचपन दे बेली सन स्कूल कठे मियां साहब ने पढ़दे रहे ओ कहंदे ने ख्वाब विच मैं 1965 वाली रात देखया कि मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी शादरे चौक तो ना लाहौर सियालकोट वाल दौड़ते जा रहे ते ख्वाब विच मौलवी साहब पुछदे ने मैं मियां साहब नूं पुछया मियां साहब किधर जा रहे हो जल्दी जल्दी आपने फरमाया इंडिया ने पाकिस्तान ते हमला कर दिता बरकी हडियारे बॉर्डर ते ते लाहौर चविंडा बॉर्डर ते ते मेरी ड्यूटी लगी चविंडे
मैं चविंडे चले मौली साहब कहते मैं आख्या मियां साहब लाहौर शरखपुर तो नेड़े वे ते इत्थे जाओ ना ते मियां साहब फरमांदे ने नहीं मेरी चविंडे डोरी लगी है ड्यूटी है ते लाहौर दाता साहब दी ड्यूटी लगी है चोगे वाला बाबा खलोता सी बंब पकड़ पकड़ के थैलियां च पाई जांदा सी मियां शेर मुहम्मद शरफपुरी रहमत अल्लाह असर दी नमाज पढ़ के बाबा जी पीछे मोहम्मद शरफपुरी रहमतुल्लाह मुसल्ले ते बैठे रब दा नजारा देख लिया उनू भूल गए सोने दर सारे जिन तेरा दवारा जिन्हें मुस्तफा दा मुख वेख्या उन्हें बस इंजी को मर्रा आनी फकत राल हक मेरे नबी फरमाए जिन्हें मेनू वेख्या समझे उन्हें वेख्या जिन्हें वेख्या सुने मुख तेरा उन्हें रब दा नजारा ही वेख लिया अल्लाह ने अपने महबूब दे जमाल दे जलवे दे विच अपने सारे जलवे रख दिते फरमा सोने मुख तेरा होगा ते जलवा मेरा होगा ग्रामी कदर हजरात इस बात नु फैलावा ते इते जुल्फे महबूब दी तरह लंबी हो जानी है पर मैं तुके तुहानू एक चक्कर सैयदा आमिना ते एक चक्कर अम्मा हलीमा दे घर दा लगा के लियाना है क्योंकि आ इते दो माइयां ने जिन्हां दा जिक्र ना करिए मिलाद दी महफिल मुकम्मल ही नहीं होदी आइए मैं दसा अल्लाह ने अपने महबूब नु किवें दलील बना के भेजा नबी पाक दी अम्मी जान मदीने पैदा होईयां ते अबू जी मक्के पैदा होईयां याद रखियो मदीना मेरे नबी दा खानदानी नान का घर है हजूर दे नान के भी मदीने हजूर दे अबू जी दे नान के भी मदीने हजूर दे दादा जी दे नान के भी मदीने इधर सैयदा आमिना पैदा हुई तो उधर हजरत अब्दुल्ला मक्के पैदा हुआ तवज्जो है ना मेरे बात थके ते नहीं हाथ खड़े करो सारे जड़े जड़े थक गए चलो हुन हाथ चुके बोलो मैं कुछ नहीं कहना
जोर लगा के पूरा बोलो सुभान अल्लाह। इन्हीं के सुभान अल्लाह कह जाओ कि पूरा साल फरिश्ते झुक झुक के एक दूसरे नु कह आओ मोहल्ला है जिथे नबी दा मिलाद हुंदा सुन्नी सुभान अल्लाह कह के जांदे अपने गुलाम दफन करके आ जिंदा इधर गौर कर दे। गुलाम कहता जब कबर बना के बच्चे नु विच रख लगा ते हाथ से गैबी तो आवाज आई ना मारी। अचानक जोर मच गया सौदा बिल के दारा आई आई लोग अपने बच्चे लेके गिटारों जी खड़े हो गए। सैयदा आमिना भी खड़ी हो गई हो जिन मेरे सैयदा आमिना भी वारी आई हाथ दिया लगी रवे के पूछ लिए बच्ची कौन है लोगों ने आख्या वहाबी नब ने मनाओ सुनी बेटी आमिना आई क्या लगी हादी हिन्न लीला और तुली दन दीला क्या लगी मेरा इलम कहता है क्या खुशबख्त मां हो जो मुहम्मद की मां बनने का शर्फ हासिल मां ते तुहाडी ते मेरी नहीं मां साडियां मावां दे कदमां थले जन्नत है ते जड़ी हो गई मुहम्मद की मां जड़ी मां ही मोहम्मद है रबी पुत्र कुरान हिफ्ज़ करे ना ते लोग लड्डू वंडदे मिठाइयां मंडदे देगा पका के तकसीम करदे कहंदे मेरे पुत्र ने कुरान हिफ्ज़ कीता है इदे सीने च कुरान है। नबी पाक ने फरमाया जिदा पुत्र हाफिज़े कुरान होवे ओदे सिर ते रब नूर दे ताज पावेगा ते नबी पुछणगे या अल्लाह ए केड़े नबी ने अल्लाह फरमाएगा नबी नहीं ए हाफिज़ दे मां-प्यो ने। अच्छा साडा पुत्र 3 साल च कुरान हिफ्ज़ करे ते रब सानू नूर दे ताज पावे जेड़ी मां दा पुत्र साहबे कुरान हो ओए हाफिज़े कुरान साहबे कुरान जिदी मां दे पुत्र दे सीने दे उत्ते 23 साल कुरान नाज़िल होवे उस मां नु रब केड़ियां शाना देवेगा केड़ियां शाना देवेगा कबर च जदों असा कहना ना मुहम्मद दे गुलाम ते जान छुट जानी ते जिन्ने कहना ना हा हा लादरी मेनू नहीं पता मुहम्मद कौन फरिश्तियां गुर्द लेके आ जाए जन्नत ते जेड़ी आखे मैं मुहम्मद दी मां वा सुभान अल्लाह।
फिर जन्नत आप ना समान दा इस्तकबाल करेगी। इधर हजूर दे अबू जवान होते उधर सैयद आमिना। नबी पाक दे दादा जान फरमांदे ने कि एक रात मैं लेटिया घर में काबा दे अंदर हतीमे काबा च तवाफ करके लेट गया। एक सोना जा बाबा ख्वाब च आया ते बाबा के कहंदा अब्दुल मुत्तलिब उठ ते मदीने आ जा। उथे वहाब बिन अब्द मुनाफी बेटी आमिना जवान हो गई अपने पुत्र अब्दुल्ला दा आमिना ना रिश्ता करके आ। आप फरमांदे ने मैं ख्वाब च पूछा बाबा जी तुसी कौन हो। फरमाया मैं अल्लाह दा नबी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम। हजूर दे दादा जी ने पुत्र नु नाल लिया मक्के दे उमरा रुआसा कुरैश दे सरदार मक्के दे सरदार नाल ले आगे मदीने दरवाजा खटकाया। हजरत वहाब बिन अब्द मुनाब नबी पाक दे नाना जी इस्तकबाल कीता। रात नु जड़े वेला मक्की दे मजरी इकट्ठे बह गए। नबी करीम दे नाना जी ने पुछया लज पाला किधर आए हो। हजूर दे दादा जी ने फरमाया आ मेरा पुत्र अब्दुल्ला सुनिया तेरी बेटी आमिना जवान है अपने पुत्र वास्ते तेरी बेटी दा रिश्ता लैन आया। हजूर दे नाना जी ने अर्ज कीती लजपाला आमिना अज भी तुहाडी है कल भी तुहाडी है। नबी करीम दे दादा जी ने फरमाया धीआं दे रिश्ते इंज नहीं करीदे। लोग खानदान पुछदे ने नौजवान दा किरदार पुछदे ने करोबार पुछदे ने पुछिया भी कुछ नहीं बेटी दा रिश्ता पिया देना है। हजूर दे नाना जी ने अर्ज कीती लजपाला मैं क्यों ना रिश्ता देवां जेड़ा बाबा ख्वाब च तुहानू मिलिया है अठ दिहाड़े गुजरे मैनू भी मिलिया। शादी नबी पाक दी अम्मी ते अबू दी रिश्ता उन्हें कराया जिहड़ा 70,000 नबियां दा दादा है। जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह रिश्ता लेके आए। निकाह हो गया किवें होया फिर कदे अर्ज करांगा वक्त थोड़ा है। सैयद आमिना दुल्हन बन के मक्के आ गई। फरमादिया जित्थों आईयां ओह वी सरदारां दा घर ते जेड़े घर चाहिए ओते एड़ा मौजज घराना जिन्हां दी गली चलो गर्दन झुका के गुजरदे बर्दे। फैसलाबाद वाले कोई किसे दरबार दा सज्जादा नशीन कोई किसे दरबार दा सज्जादा नशीन मेरे नबी दे दादा जान काबे दे सज्जादा नशीन। तीन महीने शादी नु गुजरे ना ते हजूर दे अबू जी मुल्के शाम तिजारत ली जा रहे ते राह च मदीने रुके थोड़े देर ते बुखार हो गया ते बुखार दी हालत च 25 साल दी जवानी निकाह तो 3 महीने बाद आप फौत हो गए मदीने फौत हो गए। मदीने वाले ससुराल ते नानके वाले मदीने कब्र बना दी मक्के पैगाम भेजे। इधर सैयद आमिना मक्के हजरत अब्दुल्ला दे राह पियो भी कभी एक दिन हजूर दे दादा जी रोंदे खड़े आए आके सैयद आमिना दे सिर ते हाथ रख के फरमाते ने आमिना बेटी सब्र कर रोके अर्ज कर दिया बाबा का ना सबर सबर कले चमू नु आ रहा फरमा बेटी जी दी उड़ी का करनी उन्हें आना कोई नहीं। आपने फरमा बेटी साडा अब्दुल्ला टुर गया सैयदा आमिना दे दिल दी दुनिया उजड़ गई दिने दी रोंदिया रात दी रोंदिया ने आवाजा मार दिया वे अब्दुल्ला किधरू आ जा उजड़ी बस्ती नगरिया सबर कर जावांगा जवान रोटी वेखी नहीं जाती लया मिना ने पुत्र दे दे सुकून
दादा जी दुआ कर रहे अगर सैयद आमिना फरमा दिया अद्धी रात दा वेला रजब दे महीने दी जुमे दी रात है आ फरमा दिया रोंदिया रोंदिया मेरी अख लग गई आर पे खड़ी फरमा दे मैं लगियां बाहों में चुप नहीं करे दे कहिए लख दिल से अचानक मेरी अख लग गई उच्चे लंबे कंधा बाबा मेरे सराब से आया कह लगा बेटी रोनी क्यों फरमा दिया बाबा मेरा बदला बिछड़ गया बाबा कह लगा बेटी रो नम बालक दे फरमा दिया बाबा जिदा साई तुर जाए उनका हो दिया मुबारक आओ बाबा कह लगा बेटी रो नम बालक दे मदी माँ बनन वाली है फरमा दिया मैं पूछा बाबा जी तुसी कौन फरमाया लोकी मैनू आदम आख दे फरमा दिया बाबा टुर गया मैं सवेरे उठ के वेले च फिरनी जेड़ा पत्थर मेरे कदमां दे थले आउंदा फरमा दिया मैनू चुभदा ही पत्थर पिघल के मुंह बन जांदा है मैं कन्निया पत्थरां नू की हो गया पत्थर बोल के कहन लगा हैरान हो कदे भी असी बे पिघल सुनाया लैन दे पढ़िया पढ़िया पिघल जाना ابو جال نو یار نے پوچھا سی دس تیرا محمد دے بارے کی خیال ہے کہ اگر رب کعبہ دی قسم جو سچ پوچھے تو مینوں پتہ میں جھوٹا محمد دی سچ سبحان اللہ اتھے بڑے بڑے پگل کے بڑے بڑے پگل ان پھر کی ہویا جے میں سناما تے وقت درکار بس او رات آ گئی جس رات دے سویرے تے رب سلاما کردا ہے سبحان اللہ او سبحان اللہ بولے جن نے 12 ربیع الاول نو جشن منانا او بولے سبحان اللہ بس وہ رات اگے جنوں 12 ربیع الاول دی رات کہندے نے سیدہ آمینہ فرماتی ہے نبی پاک دے دادا جی کعبے دا طواف کردے سن تے میں گھر چ کلی سا آپ پتراں نو لے کے کعبے دی دیوار بنا رہے تے مینوں انج لگا جویں رات جاری دن آ رہیا تے پتر میرے آمن دا ویلا ہو گیا فرماتی ہے میں رون لگ پئی رو کے عرض کر دی یا اللہ دنیا دی آمین اور دی آمین بچے دی ولادت ویلے خدمت لئی کوئی آ جاندا ہے عرض کر دی یا اللہ میری خدمت لئی کوئی نہیں फरमादियां चार पिछे लंबे कदियां औरतां मेरे कमरे ते आ गईयां मैं पुछनियां नी कौन सारियां ते वडेरी कहन लगियां मैं ना रीनो मैं आदम दी बीवी हवा आई आऊं दूसरी कहन लगी इब्राहिम दी बीवी सारा आऊं तीसरी कहन लगी फिरौन दी बीवी आसिया आऊं चौथी कहन लगी ईसा दी मां मरियम मैं पुछनियां नी किधर आईयां कहन लगियां मुहम्मद दियां दाइयां बन के आईयां जेड़ी मां दी खिदमत लई नबियां दियां मां आईयां سید آمینہ فرما دیا چارے عورتیں میرے ارد گرد بیٹھ گئی ہیں تے سونا نور خدا بن کے میری گودی چا گیا آ فرما دیا پھر میں ویکھیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا اے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا मेरे अंदर सवेरा एक कमली वाले का नहीं होर किधर
ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਤੇ ਸਵੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਦਾ ਬੇਲੀ ਸਾਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਆਹ ਰਲ ਕੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਪੜੀਏ ਤੋ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜੀਏ ਆ ਗਿਆ ਸੋਨਾ ਸਵੇਰਾ अल्लाह जड़ा ऊंचा बोलिया जरा दिखा आवे कमली वाले और सुबह जिधर जावे यही पर्दा जावे आ गया युखरिजु मिन ज़ुलुमात इलल नूर आ गया सोना सवेरा कद जाकुम मिन अल्लाह नूर आ गया सोना सिराज मुनीरा आ गया सोना सवेरा लकद जाकुम रसूल आ गया सोना सवेरा कद जाकुम बुरहान आ गया सोना सवेरा सुम्मा जाकुम रसूल आ गया सोना अल्लाह मुतिम नूर ही आ गया सोना सवेरा वम बशीरम रसूल यादी मिन बाद इस्मो अहमद आ